वन्दितुषं सिद्धि धूमचल्मणागंगयं पत्ते वक्षामि समर्पाहु मृणमाशुं केवलीवनिदं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवावाय वावाये सर्वभावांतरच्छदे। अमूर्त दृष्टि अंग की गाथा चल रही है, गाथा नंबर 232। समूढ़ नहीं जे सर्वभावे सत्य दृष्टि धारे तो ते मूढ़ दृष्टि रहित संकेत दृष्टि निश्चय जान। भावार्थ, सम्यक दृष्टि सर्व पदार्थों न स्वरूप ने यथार्थ जाने छे तेने राग देश मोहिनो अभाव होवा थी। राग देश मोहिना अभाव होवा थी माने अनंत अनुबंधी की बात लेना है यहाँ पे, तेने कोई पदार्थ पर अयथार्थ दृष्टि पड़ती न थी। चारित मोहिना उदय थी इष्टानिष्ट भावो उपजे, चारित मोहिना उदय थी इष्टानिष्ट भावो उपजे तो पण तेने उदयनु बड़वान पणु जानी ने ते भावोनो पोते करता थतो नथी। बहुत जोरदार टीका है भावार्थ, है ना, थतो नथी ते तेथी तेने मूल दृष्टिकृत बंध थतो नथी पर ते प्रकृति रस दईने खरी जती होवाथी नजरात छाय थाय छे। चारित्र मोह का उदय होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है, तो वो भी ऐसे बोलता है इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया है, ये मेरा शत्रु है, मैं इसे मार डालूंगा, ऐसे बोल देता है। क्या बोल रहे हैं सम्यक दृष्टि, क्या बोल रहे हैं, इसने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन वो जानता है अंदर में एक मूढ़ प्रकृति है। क्या कह रही है, चारित मोह के उदय में जैसे जुगुप्सा प्रकृति थी ना, ऐसी मूढ़ प्रकृति है, तो मूढ़ प्रकृति आई नहीं, मूढ़ प्रकृति रस दई ने खरी जाए परंतु दृष्टि नहीं करता। इसमें एक मार्मिक बात छिपी है, मार्मिक बात क्या छिपी है, कोई सम्यक दृष्टि होए और कदाचित ऐसा बोले भैया तीर्थ यात्रा करो उससे सुख होता है, ये भैया ये तो बहुत दुख देता है, तुम्हारा शत्रु है, तो ऐसा बोलने पर भी उसको मूड प्रकृति का उदय आया। क्या कह रही, तो वो ऐसा कहे जी मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, इससे मुझे सुख होता है, तीर्थ यात्रा करो तो सुख होता है, ऐसे बोले जैसे दृष्टान देव मैना सुंदरी थी ना, मैना सुंदरी अब वो पति को कुष्ठ हो गया तो चलो भैया विधान करेंगे, खाए के लिए सुख साता माटे सुख साता के लिए विधान करें, तो अंदर में तो जानते हैं अनंतानुमंदी दर्शन नहीं है ना, वो दर्शन मोह नहीं ना, अनंतानुमंदी मोह राग द्वेष नहीं है ना, तो अंदर में तो जानते हैं, लेकिन उस समय ऐसी बेचैनी होती है कि भगवान ही शरण दिखते हैं और कोई शरण नहीं दिखता, तब ऐसा लगता है भैया सारे दुखों से छूट ना हो तो पूजा करो, विधान करो, व्रतवास करो, तकलीफ हो भी नहीं तकलीफ, तो ऑटोमेटिक अंदर से ऐसी बुद्धि आती है हे भगवान यदि इस संकट से बच गया तो मैं ऐसा करूँगा, दान दूंगा, पूजा करूँगा, विधान कराऊंगा, तीर्थ यात्रा करूँगा, मैंने सब अपने आप ही आता है, हे भगवान मेरा ये परिणाम सुधर जाए तो ऐसा काम करूँगा, और जब तक मेरा ये काम नहीं सुधरेगा तब तक तो मैं रस त्याग करता हूँ, ये नहीं खाऊंगा, ये अपने आप हुआ ही भाव। लेकिन ज्ञानी को अंदर में खबर है कि उसको मोह राग द्वेष नहीं है, अनंतानुमंदी नहीं है ना, तो उसको क्या होता है, वो मूड प्रकृति रस दई ने खिर जाए, रस देकर खिर जाती है, मतलब निर्जरा होती है, ज्ञानी ऐसा बोले तो भी निर्जरा होती है, और अज्ञानी ऐसा बोले कि मैं तो कभी मानता ही नहीं, कहीं जाऊंगा ही नहीं, झुकूंगा ही नहीं, दुनिया में कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, ऐसे ही बोलता रहे मिथ्या दृष्टि,
लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं होने से उसको आश्रय बंद ही हो रहा है। फिर से समझना जरा मार्मिक बात है, जब तक स्वयं संवेदन ना हो, स्वरूप की प्रतीति ना हो, आत्मानुभूति नहीं हो, तब तक जो हम ऐसा भी बोलते हैं ना अकड़ करके, हमें किसी से डर नहीं लगता, क्यों? एक तरफ दूसरे को अकड़ता नहीं है। रुक, ये तू जो वाक्य बोले ना, ये तेरे क्रोध कसाय को दर्शा रही, क्रोध कसाय को दर्शा रही है। अरे ऐसा श्रद्धा है मेरी, तो श्रद्धा ना वचन कहते ना, मैं जानता हूँ एक दर्द दूसरे को करता नहीं है। भैया कोई नहीं जानता दुनिया में, वो तो मेरी श्रद्धा तो अचल है। हो सकता है तूने मान कसाय का पोषण कर लिया। समझ में आ रहा है कुछ? जिनवाणी के वचन तुम क्या जानो, मैं जानता हूँ कितना प्रवचन जानता हूँ, तुमको पता है कितना शास्त्र जानता हूँ, ये मान कसाय का पोषण हो गया। माने जीव को आत्मानुभूति नहीं हो, दृष्टि में ज्ञायक ना हो, अकर्तापना ना हो, तो जिनवाणी के वचन बोल करके भी अपनी मूढ़ता को सिद्ध करी। गजब बात है, ये तो बहुत कड़क बात है थोड़ी सी। हमारा कहने का मतलब समझो, तत्व चर्चा का निषेध नहीं है, लेकिन स्वानुभव का उद्यम रखना, आत्मानुभूति का उद्यम रखना, पहले में पहले सम्यक दर्शन करना। जैसे अभी अपन घंटों चर्चा कर रहे हैं, मानो तो आप लोगों को क्या लगने लगता है कि और लोग तो सब काय के जैन हैं, नाम मात्र के जैन हैं। हम देखो 2-3 घंटा प्रवचन सुनते हैं, घर में भी ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हम तो सब करते हैं। ऐसा कह के आप क्या कहना चाह रहे हो? सम्यक दर्शन के बल पर बोल रहे हो, ये कर्ता बुद्धि के बल पर अनंतानुबंधी मान का पोषण कर रहे हो? ये विचार करना पड़े। माने ज्ञानी, देखो ध्यान से सुनना, अभी तक की चर्चा से उलट है, अभी तक की चर्चा से उलट है। अभी तक तो ऐसा कहते थे कि वो ऐसा कहता है तो अभी मूड नहीं होता, लेकिन अभी तो अपने समझाने क्या मूड प्रकृति का रस आता है, मूड प्रकृति का उदय आता है, मूर्ता का जैसा लगता है, सम्यक दृष्टि भी वैसा प्रवर्तता दिखाई देता है, कहता दिखाई देता है। अच्छा अब आप क्या कहोगे बोलो? अभी कोई बीमार आदमी हो, आप उसके घर जाओ तो आप क्या कहोगे? भैया पंच परमेष्ठी का नाम स्मरण करो, बड़ी सुख सहायता मिलेगी। तो ऐसा कह दिया, तो अब इसका मतलब अंदर में तो वो जानता है कोई पंच परमेष्ठी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। नहीं जाने तो मूड है, देखो नहीं जाने तो मूड है, जानता है अंदर में इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन वो सामने वाले की इतनी बुद्धि है तो उससे कहें भैया नवकार गिनो, नवकार गिनो, और क्या करें भैया, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, थोड़ी शांति से चर्चा करो। लेकिन जब समझदार होता है तो उसे समझाते हैं, देखो भैया बताओ नवकार मंत्र गिनने से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं होता है? हम तो कह रहे होता है, होता है। कैसे होता है? हो जाए तो निमित्त हम तो निमित्त पढ़ने कहेंगे ना उसको, हो जाए तो निमित्त है, कोई दिक्कत नहीं। नवकार माने क्या? पांच परमेष्ठी का स्वरूप। तो पांच परमेष्ठी ने क्या बताया कि 3 लोक में आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा परमेश्वर है, आत्मा ही परिणमता हुआ परमात्मा बनता है, आत्मा को कोई प्रकार से कोई हैरान कर सकता नहीं। करण की पंच परमेष्ठी का स्मरण माने आत्मा का स्मरण, पंच परमेष्ठी का स्मरण माने जो उन्होंने ज्ञायक बताया उसका स्मरण, पंच परमेष्ठी का स्मरण माने ये थोड़ी बोला। अब हम के दृष्टांत क्या देवे, हमें नाम याद नहीं देता। जैसे कोई सिरदर्द हो किसी को और भूल जाता हो, भुलक्कड़ हो, भूल जाता हो, तो उसकी पत्नी कहती है ऊपर रख लेना, वो कौन सी गोली हमें नहीं मालूम, ऐसे ऊपर रख लेना, वो याद रखना, भुलक्कड़ हो तो 10 बार याद रखना, सिर दुखे तो खा लेना। तो उसने वो याद रख लिया, क्या याद रख लिया? पत्नी ने कहा था कि खा लेना तो वो याद कर रहा है। बोला भूला की याद कर रहा है? बोलो बोलो भूला की याद कर रहा है? पत्नी ने कहा था याद रखना, पत्नी ने कहा था याद रखना, क्या रखना? सिर दुखे तो खा लेना, सिर दुखे तो खा लेना, गोली खा लेना। ये तो भले आदमी इसके लिए थोड़ी कही थी वो बात, सिर दुख रहा है क्या? नहीं दुख रहा तो गिनने की नहीं जरूरत और दुख रहा है तो खाना चाहिए, दृष्टांत की बात है। अब वो गिन रहा है, वो मेरी पत्नी ने कहा था भूलना मत, भूलना मत, वजन काहे पे चला गया? भूलना मत, अरे तू भूल ही गया पॉइंट समझ में? कह तो रहा है भूलना मत और भूल गया, क्या भूल गया? कि सिर दुखे तो खा लेना। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया? ऐसे भैया तुम आत्मा की चर्चा तो करते हो, मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञाता देखो, ज्ञाता देखो,
ओ पंच परमेष्ठी भगवान ने कहा था, याद रखना सभी प्रकार के दुख संकट में एक भगवान आत्मा ही शरण है। अभी जब कोई दुख संकट आता तो तुम भूल जाते हो, फिर कोई याद दिलाता, क्यों प्रवचन में क्या सुनते हो? हाँ बात तो बराबर छे, ये तो गड़बड़ है, बात तो बराबर छे, क्या कि कोई संकट आए तो ज्ञाय को याद करना। लेकिन मैं ज्ञाय याद तो कर रहा हूँ लेकिन वो लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। अरे तुम्हें अभी ज्ञाय याद माना कोई शब्द याद करने का मतलब थोड़ी था। अरे नहीं, यदि देह में परिणमन हो रहा है सुख दुख का, रोग आदि का, उस समय मैं ज्ञायक हूँ, इसका मतलब है मेरे में परिणमन नहीं हो रहा है। मैं तो अप्रभावी हूँ, मैं तो आनंदमय हूँ, मैं तो ज्ञानमय ही हूँ, ज्ञान में एक ये झलक रहा है, ऐसा जानकर ज्ञान का आनंद करना, इसकी टेंशन नहीं करना। इसका नाम था ज्ञायक शरण है। फिर से बोलो, पंच परमेष्ठी शरण माने ज्ञायक शरण है। तो भैया फिर अपन ज्ञायक शरण की माला फेरेंगे, पंच परमेष्ठी की माला फेरें, क्या करना चाहिए? अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये बहुत डर लगता है ऐसी बातों में, मैंने डर रहा हूँ, मैंने वो समझ गया होगा क्या कहना चाहता हूँ। मैंने ऐसे कितने ही लोग होंगे, अभी भी ऐसे कितने ही लोग होंगे कि साहब हम तो चिंतामणि पारसनाथ की जय, चिंतामणि पारसनाथ की, चिंतामणि से घबराना मत भैया, मतलब लोग बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जय हो मतलब वो जो पारसनाथाय नमः, पारसनाथाय नमः, पारसनाथाय नमः। अरे क्या कर रहे थे? पारसनाथाय नमः का मतलब समझते हो? पारसनाथ भगवान पे 7 दिन तक संकट आया था तो वे ज्ञायक देखते रहे। अब तुम पे भी संकट है, दुख है, शोक है, पाप का उदय है, लाभ है, हानि है, जो कुछ है, क्या देखना चाहिए? ज्ञायक देखना चाहिए। इसका नाम है पारसनाथ भगवान का स्मरण। समझ आया कि नहीं आया? हमें तो साहब पारसनाथ भगवान का स्मरण आ जाता है और हम सुखी हो जाते हैं। क्या मतलब? जैसे संकटों में भी धैर्य ही अवलंबन है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, धर्म ही सहायक है। ए धर्म ही सहायक है, ये तुम्हारा खोटी मान्यता सहायक नहीं है। इतनी जल्दी बुद्धि दौड़ती है, कुछ होता नहीं क्या? कुछ करवाएं, कोई से मिलवाएं, टोटका करवा दें कुछ, ये मूढ़ता है। अरे यहाँ तो कोई गजब बात करें, पंच परमेष्ठी का नाम जपना भी, यदि मात्र नाम ही जपने को नाम मानता है तो मूढ़ता है। नाम जपने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? एनासिन ले लो, एनासिन हम नाम नहीं लेना चाह रहे थे, निकल गया, ले लो मतलब इलाज जो तुम्हें गोली है ना, ले लो, ये दृष्टान्त है। निर्दोष औषधि की बात समझ लो। अभी हमें दृष्टान्त में कहा, ऐसे यहाँ समझो कि भगवान का स्मरण करना माने ज्ञायक का स्मरण करना। एक बहुत सुंदर, मुझे बाल बोध की ये बात बहुत ही भाती है, मैंने बहुत भाती है, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? बोलो बेटा, कौन को याद है पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? पढ़ा है बाल बोध एक पढ़ा है। क्या लिखा है? पंच परमेष्ठी पहली पार्ट है, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है दूसरा पार्ट है, चत्तारी दंडक है ना, चत्तारी का पाठ। क्या लिखा है बोलो? पंच परमेष्ठी की शरण का अर्थ, क्या प्यारा अर्थ लिखा है, मैं तो इतना फिदा हो गया। बच्चों को पढ़ाते समय मैंने 1 घंटे आनंद लिया, बच्चों को पढ़ाते समय, जब मैं बाल बोध पढ़ा रहा था भोपाल में, तब की बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल हो गए, 25 साल कितने हो गए, 20 साल तो हो ही गए होंगे, तब ऐसा मजा आया उस दिन। मैंने सुना क्या लिख रहे हैं इसमें, पंच परमेष्ठी भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना, इसका नाम पंच परमेष्ठी भगवान की शरण है। 1 घंटा पढ़ाया मैंने, 1/2 घंटा तो पक्का पढ़ाया होगा यदि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो, अरे 1 घंटा ज़्यादा हो गया ना। 1 घंटा तो पूरे क्लास लग ही नहीं सकती ना, 1 घंटा पहले प्रार्थना होगी, ये होगी, वो होगी, और पढ़ाने बैठे होंगे तो 1/2 घंटा तो पक्का पढ़ाया मैंने। बोलो, दिगंबर मुनिराज की शरण में जाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? बच्चों से पूछा, बोलो आचार्य कौन कौन भगवान की शरण में जा सकते हैं? क्या चिंतन, आचार्य कौन कौन भगवान की शरण में जा सकते हो? कैसे जाओगे बोलो? आचार्य कौन कौन भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चल कर, गजब, मार्ग माने उपाय, मार्ग माने कोई सड़क थोड़ी है, मार्ग माने उपाय। उनने क्या बताया कि ज्ञान भिन्न है गे से, ज्ञान गे से अप्रभावी है, ज्ञान परिपूर्ण है, ज्ञान में ज्ञायक तादात्म्य है, ज्ञान के वेदन में ही आत्मा का वेदन है,
ऐसा ऐसा समझकर अपनी शरण लेना माने अपने ज्ञायक को अनुभव करना ही आचार कौन कौन स्वामी की शरण है। मैंने बच्चों से पूछा था, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा, भोपाल का पूरा लेक्चर याद आ रहा आज। हमने पूछा था बच्चों से, क्यों बेटा सिद्ध भगवान तो दिखते ही नहीं, अपन उनकी शरण में कैसे जा सकती, जा सकते हो सिद्ध भगवान की शरण में? सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में रहते, कैसे जाएंगे हम? उनका तो शरीर भी नहीं है, कैसे जाएंगे बोलो? अपन वहाँ तक जा भी नहीं सकते, अभी तक ऐसा कोई क्या कहलाते स्पेस शटल भी नहीं बनी जो 7 राज्य ऊपर चली जाए। क्या बोलो भैया, सिद्ध भगवान की शरण में कैसे जाएं? के भी नहीं तो जाइए, क्या गजब बात, ऐसा मजा आया उस दिन तो। अभी ऐसा लगता है आचार कौन कौन स्वामी नहीं, गुरुदेव श्री होते कोई नहीं है। चुप पढ़, फिर से पढ़ बोलो। पंच परमेश्वरिया सिद्ध भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना माने आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है ऐसा अनुभव करना, ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है ऐसा अनुभव करना, ये सिद्ध भगवान की शरण है। सम्यक दृष्टि सदा काल पंच परमेश्वर की शरण में ही रहता है, लेकिन मूढ़ लोगों को ऐसा लगता है वो तो घर में रहता है वो तो वहां रहता है, वो तो मतलब समझ लेना वो तो विषय भोग में रहता है। अरे तुम्हें खबर ही नहीं है, उनके बताए मार्ग पर चलकर जो रत्नत्र प्रकट हुए हैं वो पंच परमेश्वरी भगवान की शरण है। आगे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, गजब बात है। ज्ञानी की दृष्टि अद्भुत है, अमूढ़ दृष्टि, प्रकृति रस दईने खरी जाए। कभी ऐसा लगता है भैया चलो विधान कराओ, विधान कराओ बड़ा आनंद आएगा, तो जो लोग थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना वो टीका टिप्पणी करते हैं, जय सम्यक दृष्टि है, देखो ज्ञाय के आश्रय से सुखी होते हैं कि भगवान के आश्रय से सुखी होते हैं? बोलो, कह रहे हैं विधान करवाएंगे तो आनंद आएगा, विधान में कहीं आनंद आवे? ये मूर्ता है, मूर्ता क्या नहीं, अरे भगवान का विधान करने में भी उसे तो भगवान की बताए मार्ग पर चलकर इधर आ गया है ना, इसलिए भगवान की शरण में ही है वो। आगे कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांत देऊं क्या करूं, दृष्टांत देना पड़ेगा। थेगा जब शादी होवे नहीं तो बहुत आनंद आता है, तो बाजे बजते हैं और नाचते हैं, तो बाजे बजने का आनंद आता है कि नहीं आता है? बोलो बोलो, डांस करने का मजा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? बोलो ना जल्दी, आता है। रुक जाओ, अब वो लड़की वालों की सगाई शादी कैंसिल, बाजे बज रहे हैं, बोलो बोलो अब कितना मजा आता है बाजा बजने में? बाजा भी बज रहा है, केवल कैंसिल हुई है और अपन ने 2 घंटे को बुक किया है। हाँ ऐसे थोड़ी 2 घंटा बजवाएंगे पूरा और 10,000 रुपया तब देंगे, ऐसे थोड़ी देंगे, वो तो पैसा मांगेगा, भैया आपकी शादी हो कि नहीं हो हमारा तो आप एग्रीमेंट है, आप हमारा पैसा दो। तो अपन क्या करेंगे बोलो, आप लोग क्या करोगे, चिंतन क्या करोगे बोलो क्या करोगे? अब समझ गए नहीं हम? अरे बाजा बजने में मजा आता है, झूठी बात है, शादी का मजा आता है, आता है शादी का मजा और लोग में कहने में आता है बाजा बजने का मजा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही आनंद तो आता है अंदर अंदर, और हम कहते हैं भगवान आपके विधान में आनंद आ गया। बोलो आज के आनंद की जय। समझ आया कि नहीं आया? यानी इधर पूजा विधान चलता है, स्वाध्याय चलती है, सट आवश्यक चलता है, और अंदर अंदर आनंद कुछ और होता है। बोला होता है कि नहीं होता है? अरे गजब बात है भैया, इसलिए मूड नहीं होता, सम्यक दृष्टि व्यवहार का वचन बोलकर मूड नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? आज तो भोजन में आनंद आ गया, तो जो अतकसरे पढ़े लिखे होते हैं ना थोड़े से, वो ऐसे कहते हैं देखो जो सम्यक दृष्टि जो रोटी में मजा आवे कहीं आ तो पुद्गल नहीं पर्याय छे, जड़नी क्रिया छे, आमा कहीं मजा आवे? अरे लेकिन सुनता सही, तू मूड है, वो अभी व्यवहार का वचन बोल करके भी मूड नहीं हुआ है, उसे तो आत्मा का आनंद जुदा दिखाई देता है, लेकिन लोग व्यवहार की भाषा तो वैसे ही बोलते हैं, इस सब जगह लगा लेना ऐसे। समझ में आया? मैंने क्या कहना चाहिए, लोग व्यवहार में ऐसी बात होने पर भी वो मूड होता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब एक इसमें थोड़ा सा एक प्रकरण लेना है मुझे, वो मैं ले रहा हूँ, मैंने ये पूरा हो गया। जोरदार सुनना, मैं हमेशा निश्चय व्यवहार साथ लेके चलता हूँ ना, बहुत सुनने जैसी बात है।
निश्चय में क्या करते हैं अपन, अपने स्वभाव की ओर देखते हैं तो अमूर्त दृष्टि प्रकट होती है, और व्यवहार में अमूर्त दृष्टि क्या होती है? व्यवहार में दो तरह का व्यवहार है, आपको पता है, चरणानियों की शैली में तो बहुत विस्तार से लिखा है, लोग जो मानते हैं उसको नहीं मानना, यदि आप लोग मानते हैं वो मानते हो तो मूर्ता है। फिर से बोलूं, लोग जो मानते हैं उसे आप मानोगे तो आपको मूर्ता है। नाम भी सुने होंगे आपने रतनगढ़ साहब का आचार्य जी में, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। इसका ज़्यादा वर्णन करूं कि शॉर्ट करूं ये नहीं सोच पाता हूं। ये भी बहुत अच्छा पिटाई करने लायक विषय है, मतलब बहुत गड़बड़ है। देखो मैं सुना चुका हूँ वैसे तो आपको, लेकिन इशारा कर रहा हूँ थोड़ा सा। हमारे यहाँ जो हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं और दीपावली निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, ये दोनों आज लोक मूर्ता के शिकार हैं हम। 99% हम लोगों में से, भले ही स्वाध्यायी क्यों ना होए, लेकिन लोक मूर्ता का शिकार है। किसको कह रहा हूँ मैं? स्वाध्यायी को भी। कितने परसेंट को बोल रहा हूँ? 99% को कह रहा हूँ लोक मूर्ता के शिकार हैं। क्यों, दीपावली के दिन दिया जलाते कि नहीं जलाते? लोग क्या कहेंगे पंडित जी, इसलिए जलाना पड़ते। वैसे हमारी श्रद्धा में नहीं है, श्रद्धा में नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे तो भाई साहब, लोक मूर्ता इसी की तो नाम है कि लोग क्या कहेंगे। बोला, आपको लोग की चिंता है कि सर्वज्ञ की चिंता है? बोला, और लोग के, लोग की चिंता है कि आत्महित की चिंता है? अब कदाचित राज ठाकरे के डर से उन्हीं के मोहल्ले में रहते हों और दिया नहीं लगा तो यही उत्तर भारतीय से गड़बड़ों का डर हो तो भैया हो सकता है सम्यक दृष्टि भी जला दे, लेकिन कम से कम वो लोग व्यवहार में धर्म नहीं माने। देखो हमने कह दिया तो उसको भी कदाचित ऐसा भाई हो क्या करे, लेकिन अंतर में तो जानता है इसमें धर्म नहीं, करने लायक नहीं। लेकिन ये तो दृष्टांत दिया। मैं तो आपको दूसरी बात कहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है, भयंकर तकलीफ होती है, इसलिए कह रहा हूँ ये बात। निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हैं हम लोग, दीपावली महोत्सव नहीं मनाते हैं हम। जैनियों में दीपावली नाम का कोई भी पर्व नहीं है, निर्वाण महोत्सव है। जैसे आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। कैसे मनाते हैं बोलो, कैसे मनाते हो? पारसनाथ भगवान का फेमस है इसलिए मैं पूछता हूँ, बोलो कैसे मनाते हैं? कि महिलाएं उपवास करती हैं, पुरुष में जो ताकतवर होते हैं वो उपवास करते हैं, करते कि नहीं करते? संयम से रहते हैं, शांति से रहते हैं, भक्ति करते हैं, माला फेरते हैं, सामायिक करते हैं, मंदिर जाते हैं, स्पेशल पूजा करते हैं, मन कुछ करते कि नहीं करते? माने हम 24 तीर्थंकर भगवान का निर्वाण कल्याणक जैसे मनाते हैं, ऐसे महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाने जैसा है। परंतु हमारे दिमाग में इतना लोकमूर्ता छा जाती है कि जैसे दुनिया के लोग बाजार की मिठाइयाँ खरीदते हैं, हम भी खरीदने लगती हैं। जैसे सारी दुनिया में निमंत्रण वगैरह होते हैं ना रिश्तेदारों के, रिलेटिव्स के आना जाना मिलना, ऐसे धूम धक्का बहुत होता है। मैंने मैंने अभी देखा, अभी दीपावली के समय थे ना, घर घर लोग जाते हैं, मिठाइयाँ पहुँचाना, मिठाइयाँ लाना, देना, मिलना जुलना, टीका करना, खिलाना पिलाना, एक ही काम। ये तो भैया महावीर भगवान का निर्वाण कल्याण महोत्सव मना रहे हो कि ये धूम धड़क्का कर रहे हो आप? भला उस दिन बाजार की मिठाई छूने लायक तक नहीं, वैसे तो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी उस दिन तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन 90% घरों में उन दिनों में निर्वाण कल्याणक के दिन आप शाम को देख लो जूठे बर्तन मिल जाएंगे घर घर। क्यों? दिन भर खाना खिलाना लगता रहता है, निमंत्रण होता रहता है, एक दूसरे खाना खिलाना और रखा रहा। यदि आपने निमंत्रण आदि कर दिए रिश्तेदारों के, अपने कोई बहनोई हो, बहन हो सब, तो गप सब में पूरा बिकथा में पूरा दिन चला जाए, बिकथा में चला जाए पूरा, और बच्चे देखा देखी फटाके फोड़ ले, में सब लोग मुड़ता है ये सारी। और यदि वो छह हाथ पूछ लिया आपने तो पूछने ही क्या है, छह हाथ पूछ लिए समझ गए, वो मिट्टी की पुतली, वो भी लोग मुड़ता है। और उससे बचने के लिए यदि आपने महावीर भगवान की वो लगा करके और रात्रि में पूजन करी, वो भी लोक मुड़ता है। जैनियों में रात्रि पूजन नहीं होती, लेकिन चलता है, वो क्या करे, ब्राह्मण क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, क्यों तुम्हारे यहाँ इस बार दिवाली नहीं हुई? वो सुनने से बचने के लिए अपन भी एक लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा कर दो छुट्टी। फिर कह रहा हूँ आपको, उन्होंने अभी अब तो पता नहीं गुरुदेव श्री के प्रताप से बहुत सुधार हो गया, बहुत हो गया, नहीं तो वो थाली में, वो रात को जब पूजा करते थे, रात को पूजा, तो पता नहीं सूपड़ा लाते थे, क्या लाते थे, उसमें सारी मिठाइयाँ और वो लाई
और क्या क्या आइटम जितने बनते हैं ना घर के, सब उसमें निकालते हैं, फिर उससे ऐसे आरती करेंगे और फिर वो गरीबों में बांटेंगे, मैंने कुछ भी करेंगे जी। जी है क्या, जब हमारी रात्रि पूजन नहीं होती ना, थोड़े में बहुत समय ना, बाकी रही सही कसर में मोटर की पूजा हो जाए, मोटर की धुलाई पुछाई सुबह से ही हो जाए बढ़िया, उसमें वो लगा दे स्वस्तिक मांड दे भाई, है नींबू मिर्ची बांध दे, जो भी कुछ करो, ये सब लोक मुड़ता है। सीधी सीधी बात कह रही, आप अब दुकान मकर तो सब समझ ना, लेकिन मैं तो अभी इसमें कह रहा हूँ, ये सब लोक मुड़ता है, मिथ्या दृष्टियों के काम है सारे। और थोड़ी एक बात कहता हूँ, निर्वाण कल्याणक के दिन एक भी जिन मंदिर रात्रि में खाली नहीं रहना चाहिए, कायदे से इसे स्पेशल विद्वान बुलाने चाहिए, खूब जोरदार गोष्ठियाँ होनी चाहिए, तत्व चर्चा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए जोरदार, माने हर मंदिर भरा रहना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के 99% मंदिर उस दिन खाली होती, महावीर भगवान क्यों, ईसा मसीह के जन्मदिन में चर्च भरे रहते हैं, सारे भरे रहते हैं, खाली नहीं छोड़ते उस दिन, और हम महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव में खाली छोड़ देते हैं सारा। मैंने उस दिन तो यदि प्रवचन भी होए तो मुश्किल से चार आदमी गिनती की मिले, हो ही नहीं, नहीं तो मैंने, आप क्या सोचते बोलो, महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक में मंदिर भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और सारे आयोजन जोरदार होने चाहिए कि नहीं, जोरदार होने चाहिए, लेकिन मंदिर सूना रह जाता है। अब जितना होता हो ठटक्रम से समझना, हम फिर कह रहे हैं उस दिन उपवास करना चाहिए, एकासना करना चाहिए, पूजन पाठ स्वाध्याय करो, सामायिक करो, भक्ति चर्चा करो और जोरदार प्रवचन करो, बुद्धि पूरा अपन तो ऐसा सोचती। अब फटाके वटाके अब तो कम हो गए बच्चों में, नहीं तो पहले तो बहुत था। ऐसे मुझे रक्षाबंधन में कहना है, जिस समय 7-8 दिन पहले से मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, उस समय घर घर में हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, बनाओ बनाओ भैया रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है बनाओ। मैंने जब 7-8 दिन उपसर्ग चल रहा है मुनिराजों पर, उस समय हम कढ़ाई बना रहे हैं, चला रहे हैं, मैंने मिठाइयाँ बना रहे हैं, और यदि बाजार का ला के खा रहे हैं तो बात ही पूछना क्या है फिर तो। उसमें भी हमें सच बताना, 700 मुनिराजों की रक्षा संबंधी चिंतन ज़्यादा चलता है या लोग व्यवहार में इससे राखी बंधाना, उससे राखी बंधाना, उससे टीका कराना, उसका पांव छूना, उसका ये करना, माने ज़्यादा टाइम काय में जाता है, अब समझ लेना। माने हम कभी भी रक्षाबंधन के नाम पर आत्मरक्षा करना है ये तो खोस ही नहीं आता उसमें। लेकिन हम देखो लोग व्यवहार के हम सर्वथा निषेधक नहीं है, लेकिन लोग व्यवहार में तुमने सोचा हमने रक्षाबंधन मना लिया तो लोग मुड़ता है। इसमें मैंने सुना चुका हूँ आपको, जब मैं पहली बार ही आया था ना ठाकरे हाल में, और रक्षाबंधन की कथा भी सुनाई थी रात को, 1.5 घंटे 1.25 घंटा सुनाई भी थी, उसमें सब सुना दिया आपको उस दिन क्या करना चाहिए। अब नहीं सुना रहे उसको, रक्षाबंधन के लिए क्या क्या होना चाहिए। आपको रक्षा करना हो तो जिनमानी की रक्षा करने का संकल्प लो, स्वाध्याय करने का संकल्प लो, जिनमानी की सेवा सफाई करो रक्षाबंधन के समय, भगवंतों के सामने प्रतिज्ञा करो आपके जिन शासन को टिकाए रखेंगी तो रक्षाबंधन होए। लेकिन लोग भाग तो क्या करते हैं, एक राखी और भगवान को बांध जाए, भगवान को तो नहीं बांधते लेकिन वो कहीं ना कहीं बांध जाए मंदिर में आके, क्यों उन्हें ऐसा लगता है ये राखी हमने मंदिर में बांध दी तो भगवान अब हमारी गजब बात है। ये सब लोग मुड़ता है, ये सब लोग मुड़ता है, इतनी समझना, ज्ञानी मूड़ नहीं होते। अब इतने क्या कि मैं थोड़े में कर दिया, क्योंकि जितना गरीब मिथ्यात हो और या फिर बेअकल का काम हो, ये बेअकल कह रहा हूँ, बेअकल अभक्ति सहित काम हो, बेअकल के काम है बे सब लोक मुड़ता है, और ज्ञानी के जीवन में लोक मुड़ता होती नहीं। ऐसे गुरु मुड़ता होते, गुरु के नाम पर कहीं भी चला जाए ऐसा नहीं होता, देव मुड़ता के नाम पर देव अदेव की खबर नहीं, बीतरा की सर्वज्ञ हितोपदेशी की खबर नहीं, ये देव मूर्ता, इसे तो आप समझ लेना, अभी ज़्यादा नहीं कहते आप, रत्नगर साहब का चार्जी से पढ़ लेना, मुझे एक प्रकरण इसमें और लेना है ताकि मेरी ये चर्चा पूरी हो। जैसे निश्चय में व्यवहार के दो भेद किए अपन ने, एक तो ये चरणानुयोग परक, अभी एक थोड़ा द्रव्यानुयोग करणानुयोग से इससे जोड़ना अपने को। सुना क्यों, पाप के काल में भी आत्मा पापी होता है कि नहीं, नहीं होता पक्का, पाप के काल में भी भगवान बनने की शक्ति पूरी है कि नहीं पक्की भाई, ऐसे यहाँ समझो, ऐसे जैसे हमने अपने में लगाया ये निश्चय नहीं, ऐसे ही दूसरे जीवों को भी पाप के उदय में देख करके, पापोदय में प्रवर्तते देख करके भी उनके प्रति भी मूड नहीं होना। क्या कह रहे,
मुड़ नहीं होना, एक ही धर्म कर सके, ऐसा नहीं सोचना। क्यों, कितना ही बड़ा पापी हो लेकिन भगवान बनने की शक्ति, प्रभुता की शक्ति तो पूरी पड़ी है। कितनी देर लगती सम्यक दर्शन, बोलो। ये अन्यन चोर को ज्यादा मेहनत नहीं करो आप, बस सीधा सम्यक दर्शन कराने के लिए आत्मा बताओ उसे। स्वामी जी ने ये कमाल बहुत किया, माने हम तो सुनते ही थे कि दिगंबर मुनिराज सबको भगवान आत्मा दर्शाते हैं, ज्ञायक बताते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने तो सिद्ध कर दिया। और अब किसे, मैं छिंदवाड़ा गया ना, छिंदवाड़ा अभी तो 2 अक्टूबर के दिन मुझे जेल में जाने का काम पड़ गया। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जयंती होती ना, तो मैंने गुरुदेव श्री की वो बात याद आई राजकोट वाली, मैंने वहीं से शुरू किया, वहीं से। क्यों अपन ये क्यों समझो कि ये अजय नहीं, ये क्यों सोचो ये सब भूलेले भगवान, भूलेला भगवान छे ने, इन्हें भी भगवान आत्मा बताओ। तो उन्हें सब तरफ से बात बताई, उन्हें बहुत आनंद आया। समझ में आया कि नहीं? क्यों, पहले में पहले आप उसकी जाति की बात मत उठाओ, उसके कस्टम की भी बात मत उठाओ, ट्रेडिशन की बात मत उठाओ, सबसे पहले उसे आप आत्मा बताओ। यदि वो कहता है तुम आत्मा, कि हाँ सुनाओ, विश्व में आत्मा ही परमात्मा बनते हैं, सुनाओ यदि तुम मैं परमात्मा हूँ ऐसा जान लो तो तुम्हारे सारे पाप छूट जाएंगे। आप इस भाषा में बात करो, किसा वो समझेगा ही नहीं, कि मत समझ नहीं दो, उल्टी सीधी समझाने से तो अच्छा ही है। बाई दवे समझ गया तो, समझ आया कि नहीं आया, फिर समझ में आया? माने कभी भी और उल्टी सीधी फालतू बातें मत बताओ, आप तो ये ज्ञायक हो, भगवान बनने की शक्ति है, ये समझाओ। आपको विश्वास नहीं होगा, हम वहां गए ना जेल में, तो मैंने कर्णानियोग पढ़ाया, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा, ये विषय पढ़ाया उनको, जिनमें सब तरह के लोग थे, मतलब सब तरह का तो समझ ही सकते हैं आप समझा सकते हो, आपके जैन शासन में इतनी ताकत है। लेकिन फिर बात, अपन मालूम क्यों नहीं समझाते, मैं इसको जरा आज की अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो नैरो माइंडेड होते हैं अपन जी, थोड़ी समझेगा, अच्छे अच्छे तो समझ नहीं रहे पंडित जी, पहले हम ही समझ जाए, ऐसा मत सोचो आप। एक बार सच्ची घटना है, खनिया दाना में शिविर चल रहा था, तो हम ऐसे 10-5 युवक आ गए हमारे पास, तो शाम को टहलने जाते थे फरवा माटे, तो 10-5 युवक आ गए, तो हम घूमने चले गए उनके साथ, तो एक जगह बैठे बैठे तत्व चर्चा कर रहे थे, तो एक दूध वाला आया, दूधिया दूधिया, तो वो भी अपनी गाड़ी लगा के चप्पल छोड़ के और बैठ गया, सुनता रहा, तो चर्चा सुनता रहा। तो इतनी माने मुझे उस समय जब उसने एक प्रश्न पूछा, तो क्या हम भी भगवान बन सकते हैं, माने आप विश्वास ही नहीं करोगे, बोला तो हमने क्यों नहीं बन सकते, तो वाले हम भगवान कैसे बने, तो हमने उससे ये नहीं कहा तुम नामकर मन सीखो, जैन मंदिर जाओ, ये नहीं कहा, हमने उससे कहा पाप छोड़ दो परमात्मा बन जाओगे। तो फिर बोले हम तो बीड़ी पीते हैं, माने उसको जो सबसे बुरा लगा हो उसने कहा हम तो बीड़ी पीते हैं, तो आप सोच लो परमात्मा बीड़ी पिए कि नहीं पिए परमात्मा को बीड़ी पीना सौंपता है कि नहीं, माने आप कल्पना नहीं करोगे। माने ऐसी चर्चा हुई बाद में, तो वो फिर चला गया ढोक दे दा करके, तो हमने सब भाइयों से कहा देखो अपन अभी भी सोचते होंगे ये दूध वाला है, लेकिन भगवान आत्मा है। मुझे तो आज उस ग्वाले की याद आ रही है जो जंगल में अचानक 2-5 मिनट सुना और चला गया, और अपन सब तो ट्रेडिशन में अटके रहेंगे, ट्रेडिशन में, और ये अहंकार करते रहेंगे कि हम जैन ही हैं, हम ही सुन सकते हैं, हम ही समझ सकते हैं, जैसे हमारा बंधन हो। लेकिन वो हो सकता है आज ये बात सुन करके उसे महिमा आए, अब लग जाए वो, क्यों अंतर में एक शब्द बहुत है महिमा आने के लिए, एक बार धुन चढ़ जाती है। और इसका भी रूप देखा, एक हमारे पास पचराई नाम का एक गांव है छोटा सा, तो वहाँ भगवान का बिहार होता है ना, श्री जी का बिहार होता है, जब जुलूस प्रोसेशन निकलता है, तो हमारा प्रवचन रखा, तो मेरी भावना में मैंने प्रवचन किया, तो एक यादव था, यादव, अब क्या स्थिति होगी आप समझ लो, पता नहीं उसको क्या मन आया, उसने सब बीड़ी वगैरह वहीं तोड़ ताड़ के फेंक दी, सब आज के बाद नहीं करेंगे। और इस साल हम एक साल या दो साल बाद अभी फिर गए इस बार, तो आया वो आदमी, अरे साहब हम तो आपको 2 साल से ढूंढ रहे थे, आज हमने आपको देखा, आप हमारे घर आहार कर लो तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ले आहार देने का भाव आ रहा है उसे, हमारे घर का घी है, वही ऐसा बोल रहे हो, और मैं तो अब आपके पास आ जाऊंगा, मेरी एक दो बच्ची उनकी शादी करके,
और उसने एक बात बताई कि पंडित जी, जैनी लोगों को देखता हूँ उनका जीवन अच्छा नहीं है, लेकिन आपके सामने कहता हूँ मैंने 2 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी, आज तक मैंने बीड़ी नहीं छुई, और सारे गांव में लोग टोकते हैं कि तू बीड़ी नहीं पीता, कि शराब नहीं पीता, कि फला नहीं करता, लेकिन मैंने आज तक नहीं पी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये भी एक मूर्ता है कि तुम उसे मनुष्य देखते हो, ये भी एक मूर्ता है कि तुम उसे अजयन देखते हो। क्या देखना चाहिए? गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, भूलेला भगवान छे। गुरुदेव श्री की भाषा इतनी प्यारी थी, भूलेला भगवान छे, पर छे तो भगवान ने क्या इतनी मीठी लगती है बात, क्या क्या कहा, भूलेला भगवान छे पर छे तो भगवान ने, हाँ हाँ हाँ, क्या गजब बात, समझ गए आप सब, समझ गए आप। कस्टम ट्रेडिशन की ज्यादा मत सोचो, पहले उसका अनछना पानी मत छोड़ा, छोड़ देगा वो एक बार, उसे ये समझ में आ गया ना कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा बनते हैं, और एक बार जो उसे रोचक आनंद चढ़ा, फिर वो पूछेगा पंडित जी हमारा जीवन तो खराब है, जीवन खराब है, सुधार ले, बोलो क्या क्या खराब है, अपने आप सुधार लेगा। सच्ची बात कहें, यदि किसी को इतना विश्वास हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और यही परमात्मा बनता है, इतने में सम्यक दर्शन पर्याप्त है, बस पर्याप्त है, बहुत जल्दी समझ में आती है बात। लेकिन अपन क्या करते हैं, ट्रेडिशन और उसमें टाइम खत्म कर देते हैं, उसको असली तत्व समझ में नहीं आता। कोई पहली कोशिश है करो, एक बार समझ में आ गई, बोलो आपके सामने अंजन चोर आता तो आप सबसे पहले क्या उपदेश देते, बोलो बोलो क्या करते। हम तो ये कहते जी पापी 100 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, सुना नहीं सुना, 100 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को जाए, मैंने यात्रा करने जाए, क्यों धर्म करने जाए। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हो, प्राग भाव इतना जबरदस्त है, यदि सही में बिल्ली ने 100 चूहे खाए हों और अगले समय सम्यक दर्शन करना चाहे तो कर सके, ये जैन दर्शन की घोषणा है, लेकिन इसके सिवा कोई घोषणा नहीं कर सकता ये बात की। एक समय पहले अंजन चोर क्या कर रहा था, नहीं अगले समय मैंने सम्यक दर्शन ले ली, बोलो। और धन है वे दिगंबर आचार्य जिन्होंने दीक्षा दे दी, अपन तो पहले तपास करेंगे, कौन हो तुम, सकल देगी है कुछ नहीं, क्या गजब है ये तो, लोग व्यवहार चलाने के लिए जैन अजैन का व्यवहार है, कोई जैन अजैन नहीं है। कल हम गाड़ी में जा रहे थे, कब जा रहे थे, कोई कह रहा था कि बहुत स्वतंबर आ रहे हैं या बहुत स्वतंबर इस बस्ती में रहते हैं, मैंने ऐसे कुछ कहा किसी, तो हमने कहा नहीं बेटा सब भूलेला भगवान से, अभी भी कोई बात चली थी ना, हमने भूलेला भगवान है सब, कोई दिगंबर स्वतंबर नहीं है, सब आत्मा है। ये तो क्या करें, लोग व्यवहार की परिपाटी चलाने के लिए लोग व्यवहार है, वहाँ की कोई खरे घर देखा जाए तो ऐसा मानना मूर्ता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब मैंने इतनी बात कह दी, अंजन चोर सत्य व्यसनी इनको भी देखकर पापी नहीं मानना, पापी नहीं मानना, बोलो आपके सामने ला देना जाए तो क्या करोगे, बोलो आतंकवादियों से मुलाकात हो जाए तो क्या करोगे। जब आतंकवादी का नाम आता है ना, एक घटना याद आ गई मुझे, इंदौर की है, वो दिल्ली की है, दिल्ली की नागलोई है, वहाँ नागलोई मैंने अपने आत्मार्थी ट्रस्ट के पास में ही है, वहाँ एक पाठशाला में बच्चा आता था 8 9 10 साल का हो ऐसा कुछ, तो बहुत पैसे वाली पार्टी थी, मतलब करोड़पति अरबपति पार्टी, तो उन्होंने उसके बच्चे किडनैप कर लिया और उस बच्चे की बंदूक लगा के कहा बोल फोन पे पापा को कि 50 लाख ले आएं, 25 लाख ले आएं, ऐसे ऐसे हम गोली मार देंगे तेरे को ऐसे बच्चे को बोला ऐसे बंदूक लगाने के बाद। बच्चे ने इतना बढ़िया जवाब दिया, मार दे मार दे, हाथ में थोड़ी मर जाएगी मैंने उस बच्चे का जवाब सुन के डाकू के रोंगटे खड़े हो गए कि बंदूक सामने लगी है और ये बच्चा कह रहा मार दे मर थोड़ी जाएंगे, हम तो आत्मा है। मतलब गजब बात, देखो मैंने आप नहीं समझते, वो डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया, कैसे होते होंगे हृदय परिवर्तन, पर समझ में ही नहीं आती है। हमें तो ये लगता है एक स्पेशल शैली से ही सम्यक दर्शन होगा, एक स्पेशल टोन होनी चाहिए, मैं इससे बहुत खिलाफ हूँ और इसलिए लोग मेरे से नाराज भी रहते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है जैसे किसी को कारण शुद्ध पर्याय पकड़ ली तो घुमा फिरा के कारण कारण शुद्ध पर्याय कारण शुद्ध पर्याय कारण शुद्ध पर्याय कारण शुद्ध पर्याय, और फिर ज्यादा हो तो उपयोग ने संकेल, अरे गया कहाँ जो संकेल कितनी गजब बात है, क्यों शक्कर की मिठास शक्कर से बाहर जाती है, कभी अग्नि की उष्णता अग्नि से बाहर कहीं जाती है, तो जैसे गायक का ज्ञान कहीं गायक से बाहर जाता है क्या। ये तो इतनी बात कहना है
कि तू ये रूप मानता है ना, इतना नहीं मान, बस तू ज्ञान को ज्ञान एक रूप मान, ज्ञान को ज्ञान रूप मान, इतने में सम्यक दर्शन हो जाता है, इतनी सरल बात। लेकिन नहीं, ओ खै स्नान करो। और एक और गजब बात कहूँ आपको, इसमें मूर्ता क्या कहना है मुझे, हालांकि मैं कारण शब्द पर्याय के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने खुद पढ़ाया ये रखा चित्र, मैंने ही पढ़ाया ये, है ना, तो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन टोन के खिलाफ हूँ। एक ने सुबह प्रकाश पकड़ लिया, एक ने फला पकड़ लिया, एक ने फला पकड़ लिया, इससे मालूम क्या नुकसान हो गया, बहुत लॉस हुआ है गुरुदेव का, गुरुदेव का लॉस कह रहा हूँ मैं इसमें। इसका मतलब है सबके औदिक भाव अलग अलग होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे औदिक भाव से किसी सम्यक दर्शन हो, ऐसा थोड़ी है, सबका सम्यक दर्शन मेरे औदिक भाव से थोड़ी होगा। हो सकता है कोई को सुबह प्रकाशक सुन के हो जाए, किसी को कारण शुद्ध पर्याय सुन के हो जाए, किसी को और कोई चर्चा सुन के हो जाए। इसलिए हम ये नहीं कहते कोई सी मत सुनो, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे मेरी ही सुनो, और यही विधि सही है और इसी से ही सम्यक दर्शन होगा। ये मूर्ता है, ये मूर्ता है, आप तो कहीं से पढ़ो, लेकिन विधि पूर्वक पढ़ो, विधि समझ गए। आप कहीं से पढ़ो, क्या बॉम्बे में प्रवेश करने का क्या रास्ता है, कहीं से प्रवेश करो, आपको एड्रेस होना चाहिए। कहीं से प्रवेश कर जाते कि नहीं कर जाते, बोलो, आपको पता हो। और एक एक रोड बंद हो गया तो क्या करते थे, घूम फिर के कहीं से आ जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, ना मेरा यही रूट है, तो रोते रहो बैठे बैठे। मेरा मतलब समझ में आया, आपने देखा भी होगा, आपको एक ही शैली नहीं चलती, कभी दूसरा सुनने का मन करता है, कभी तीसरी सुनने का मन करता है, सिद्धांत बदल बदल के आनंद लो। ऐसा एक शैली के बंधना नहीं, अपन चाहे मेरी शैली हो चाहे कोई की हो, अपन ने तो अपना दिमाग का दरवाजा खुला छोड़ा, और इससे एक फायदा हुआ। एक नुकसान बता रहा हूँ, जो गुरुदेव का नुकसान कैसे हुआ, कि गुरुदेव के ही भक्तों में पाँच पाँच दस दस ग्रुप हो गए, एक नगर में ही बहुत ग्रुप हो जाएंगे। क्यों, एक कहता है कि गुरुदेव की छठी गाथा के बिना सम्यक दर्शन नहीं हुआ, एक कहता है 14वें नंबर के बिना नहीं होगा, एक कहता है 144 के बिना नहीं होगा, और उन्होंने वही वही छपा रहे, और उसी की फोटोकॉपी बांट रहे, उसी की बुक छाप रहे। और गजब बात तो देखो, छठी गाथा दूसरे तरफ से छप जाए तो उतनी पसंद नहीं आती, अपनी छपाई में से होगा, ये पागलपन की बात है। अपने इनमें बिल्कुल नहीं, पैसे ही नहीं बेस्ट करना ही हो, कहता हूँ मैं तो, आखरती होगी ऐसी बात सुनने में। लेकिन मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी ये बात कही है, आज नहीं कह रहे ये बात, तब भी कही हमने। मालूम हमें खुशी कब होती है, आपको पता है कि नहीं मालूम, एक 27 बरस की लड़की है रशिया की, माने रूसी का लड़की है वो, और वहाँ उसने फिलोसफी से एमए किया, हाँ रूस में, तो वहाँ जैन फिलोसफी से एमए किया उसने, तो जैन फिलोसफी में उसने प्रवचन सार पढ़ा, तो प्रवचन सार पढ़ने पर उसे आचार्य कुंकुन स्वामी की महिमा आई, तो उन्होंने उसके परमागम पढ़े पांचों, और पांचों परमागम में उसे समय सार इतना भाया कि आज उसने समय सार जी का रूसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, छपाया छपाया उसने, और उसकी प्रति विद्यमान है दिल्ली में। और एक और गजब बात, उस कन्या ने इस ट्रांसलेशन करने के उत्सव में आजीवन का ब्रह्मचर्य लिया है। अपने अपने मालूम नहीं बाहर क्या काम हो रहा है, जर्मनी में ट्रांसलेट हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, अपने खबर ही नहीं। अपन तो इतने में ही मरे जा रहे हैं कि तुम्हारा हम नहीं लेंगे छपा हुआ, हमारा छपा तुम नहीं लोगे, बस खत्म। हम फिर कह रहे हैं अभी भी ऐसे विद्यार्थी हैं। मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में कही थी बात कि गुरुदेव श्री के प्रवचन फ्रेंच में ट्रांसलेट करो, बार बार छपा छपा के पैसा खत्म मत करो, जर्मनी में ट्रांसलेट करो, क्योंकि आज 27 देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है प्रवचन सार जी की, समय सार जी की, और ग्रंथों की पढ़ाई हो रही है। अब वो क्या समझाते होंगे वो, बताओ, जिनको हम कहें क्रिश्चियन लोग, वे क्या पढ़ाते होंगे बोलो, अब भगवान जाने क्या पढ़ाते होंगे। इसके बावजूद उसकी प्रगति हो रही है, मुझे तो बहुत मन करता है। मुझे तो एक नाम अभी पहली बार मिला, मेरे ख्याल से शायद अहमदाबाद में रहता है वो लड़का, शास्त्री है वो, और शायद गुरुदेव के गांव का ही है शायद, और नॉन जैन है, नॉन जैन, हाँ फूलचंद नाम है, हाँ फूलचंद शास्त्री नॉन जैन है ना, हाँ बोलो नॉन जैन। उस लड़के पे मुझे बहुत गर्व है, आज सारे शास्त्रियों में मुझे उस लड़के पे गर्व है। उसने विदेश जाता है पढ़ाने के लिए, कहाँ कहाँ जाता है, हांगकांग सिंगापुर जगह जगह जा रहा है विदेशों में पढ़ाने के लिए, और वो फ्रेंच में पढ़ा रहा है, उसने फ्रेंच सीखी जर्मनी सीखी और वो कर रहा है। मुझे तो ऐसे तबीयत खुश हो गई, शकल नहीं देखी मैंने, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा नागपुर में कि ऐसा एक विद्यार्थी, मैंने कहा बहुत बढ़िया शाबाश, जे कोई काम हुआ ठोस। हाँ बम्बई रहता है, हाँ बोलो बम्बई रहता है, बहुत बढ़िया भैया, हमारा बहुत बहुत क्या कह रहे हैं,
समझ में आया? मूड नहीं बनना, एक है ना, एक शैली के बन के नहीं रहना, दिमाग खुला रखना, चारों अनुयोग पढ़ना। और गुरुदेव श्री ने सब बात कही है, सब बात कही है, गुरुदेव ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। माने मैं नहीं समझता हूँ कि गुरुदेव के बाहर जाकर हमें चार अनुयोग कहीं ढूंढने पड़े, सब है उनके पास। लेकिन वही मूर्ता की बात आई नहीं, जैसे मूड नहीं होना, इतनी चर्चा हुई। और एक बात कठिन है, थोड़ी सी चर्चा और करेंगे थोड़ी सी। दूर के ढोल सुहावने, हो सकता है अंजन चोर के नाम पे हमें टेंशन नहीं आती, लेकिन अपने ही साधर्मी कभी पाप में प्रवर्त जाए तो झट हमें ऐसा लगता है जे मिथ्या दृष्टि, जरा कोई कमा ले, जरा कुछ खाने पीने लगे, कमाने लगे, जरा घूमने लगे, हमें ऐसा लगता है ये सम्यक दर्शन नहीं ले सकता और ये धर्म नहीं कर सकता। क्यों पंडित जी, रात को खाता है। अरे तो रात को खा लें दे भैया, ए खाना चाहिए नहीं क्या रे? कहीं खा भी ले तो उसका प्रेम खत्म नहीं करा। अरे उसमें भगवान बनने की शक्ति पड़ी है, आज थोड़ी देर मोह का उदय आया इसलिए रात को खा रहा है। आप प्रेम का व्यवहार रखोगे, तत्व ज्ञान में लगाओगे, वो लग जाएगा। लोग हमसे बहुत कहते हैं, साहब आप बॉम्बे में क्यों जाते हो, वहाँ तो बिल्कुल भ्रष्ट लोग हैं, वहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है, हमने जब राजकोट के बाद में गए ना पंडित साहब के पास, और मैंने कहा सब बहुत बढ़िया जी मिले मुझे, और पंडित साहब ने एक बात कही जोरदार कि कावल में घोड़े ही नहीं होते, गधे भी होते हैं, और भारत में गधे ही नहीं होते, घोड़े भी होते हैं। मैंने अपन जो सोचते ना, मैंने एक उत्तर भारत में थोड़ी एक सोच है कि गुजरात में तो भैया हालत ख़राब है। तो क्या खराब है हालत? अरे हम के तत्व ज्ञान के रसिया हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और आज हम एक बात कहते हैं, बोलो हम यहाँ आए तत्व ज्ञान का आदर होने में घर घर में चौका लग रहा है कि नहीं लग रहे, भोजन करा रहे कि नहीं करा रहे, और क्या चाहते हो, अब वो सीख रहे कि नहीं सीख रहे, बोलो घर घर में बच्चों को भावना आ रही कि नहीं आ रही। तो एक ये नैरो माइंडेड बना के रह जाना कि हमें वहां नहीं जाना, ये तो मूर्खता की बात है। सबको भगवान देखो भैया, हम तो इस मामले में बहुत सोचता हूँ, आप तो हमें ये कहो कि मुसलमानों के पास चलो वहाँ चले जाए, अरे बेबी भगवान है भैया, अपना दृष्टिकोण विशाल रखो तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ऐसे नैरो माइंडेड क्या कहना, वो नैरो माइंडेड तो मेंढक बनती हैं, नैरो माइंडेड मरीने मेंढक का क्या बोलते मेंढक, नैरो माइंडेड नहीं होना बिल्कुल। हाँ जो भी आप बोलते, टेटपो, हाँ टेटपो समझ लेना, बिल्कुल नहीं बनना, पॉइंट समझ आया? बहुत ब्रॉड माइंड में बनाओ, क्या बताएं, गजब बात है। आगे समझ में आया भैया, बहुत व्यापक सोचना भैया, अपनी बस की नहीं है हल्की सोचने की। जैसे आप तो वहाँ जाता है, अरे जाने तो जाता है, मतलब जैसे अपने अपनी जैन समाज के कितने बच्चे आज मंगलवार के दिन मना रहे हैं, मान लो ये शुक्रवार मना रहे हैं, या कहीं चले गए, तो आप नफरत नहीं करो, घृणा नहीं करो, सुनाओ उन्हें बिठाओ। और कई बार मेरे को लोग कान में कहते हैं पंडित जी ये बात जरूर कह देना, मैं नहीं कहता वो, अरे भगवान आत्मा की बात सुनने दो, वो अपने आप सब हो जाने वाला है, सही अपने आप, कौन किसे बदले ना, कौन किसे सुधारे। अरे क्या बताएं, तीन लोग में सर्वोत्कृष्ट चर्चा है कि तुम भगवान हो, और जब एक बार विश्वास आ गया अरे हमें भगवान कह रहे हैं, बस सब सुधर जाता है। सही बात तो है, सुधारने के प्लान मत बनाओ, सहजता से भगवान की वाणी सुनाओ कि तुम भगवान हो, बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान थाओ। अब प्रेम से सुनाओ, गुरुदेव श्री ने कोई प्लान नहीं बनाए, कोई सोसाइटी नहीं बनाई, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ी करी कि चलो भाई एक काम करो पर्चाबाजी करो, जैसे और हम देखते ना पर्चेबाजी होती है, फला होती है, प्रचार प्रसार होता है, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। और तब इतने लोग बदल गए जोरदार, इसी चिंता नहीं करना बिल्कुल। फिर से सुनो, सारे जितने जीव में भगवान आत्मा हैं ऐसा विश्वास करके उनके पाप के उदय में यदि वो पाप प्रवृत्ति में लग गए हों, कुछ गलत काम कर रहे हों, थोड़ी देर के लिए हम पर क्रोध कर बैठे, हमारे ऊपर ही गुस्सा कर बैठे, तो भी उनमें भगवान आत्मा ही देखना, मूड नहीं हो जाना, ये तो क्रोध ही है। देखो मूड कैसे होते हैं मैं आपको कह के बताता हूँ, देखो मैं तो कह चुका हूँ प्रवचन में, आज और कह के दिखाता हूँ मैं आपको। सही बता ना, जिससे हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाए वो आदमी हमें कैसा लगता है, बोला? अब मैं आपको एक पुरुषार्थ के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क, काय के लिए, कि जिससे जिसको आप सबसे बुरा समझते हो उसे भगवान आत्मा देख के देखो,
देखना आप सबको भगवान आत्मा देख सकते हो, लेकिन जिसने हमारे 10 लाख खा लिए हो उसे क्या? देख नहीं बोलो बोलो, बड़ा कठिन है। जिसने हमारा अपमान कर दिया हो उसे भगवान आत्मा देख सकते हो, इसलिए कह रहे हैं अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ नहीं होता, ज्ञानी मूढ़ नहीं होते। दृष्टांत देना पड़ेगा। भरत बाबूली में झगड़ा हो गया और भरत जी ने बहुत ही कोशिश करी कि घर की बात घर में रह जाए, बेकार सड़क पर सब लोग हंसेंगे और फिर इतिहास बनेंगे अपन और लोग सदियों हंसते रहेंगे, सदियों देखो भरत बाहुबली लड़े, अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बहुत कोशिश करी लेकिन आखिरकार जो होना था वो तो हुआ ही हुआ। कल्पना करो यदि आप दो भाइयों में ऐसा हो जाए मुकेश तो क्या होगा, हमें नहीं मालूम आप कितने भाई हो। दृष्टांत दे बता, दो भाइयों में झगड़ा हुआ क्या करोगे बोलो भविष्य। और फिर वो इतना सब मैंने अपनी भाषा में कही ना, हमारे बुंदेलखंड में आपको क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम। 3-13 करने के बाद, 3-13 करने के बाद मैंने साहब चटपट कर दिया इज्जत का, और इसके बाद उसने दीक्षा ली। सही बता तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्षण में क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? है गुस्सेल भावुकता, जल्दी बड़ी अब दिखावटी, गुस्से में जा रहा है काय का धर्मात्मा। यदि तूने इतनी अक्कल दी तो जब जानते कि पहले ही बोलो, बस सही बताओ ढोक देने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? बहुत मेहनत का काम है, ये कह रहा हूँ बहुत मेहनत चाहिए इसमें। अरे नहीं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, समता भाव रखना बहुत। अब ऐसी समता के बहुत दृश्य मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में सुनाए, बिल्कुल प्रत्यक्ष तूफान मचाने वाला बताओ। ओ गुरुदेव शांत, कहीं बात न थी, कहीं बात न थी, चाहे हिम्मतनगर का पंचकल्याण हो, चाहे लाठी की समस्या आई हो और चाहे बाकी समस्या आई हो, जगह जगह गुरुदेव बॉस क्या गजब। इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। हम तो ये कहेंगे अरे ये जैन धर्म का शत्रु है, जैन धर्म पर उपसर करता है, जैन धर्म का द्रोही है, ये तो अनंत अनुबंधी वाला है, 70 कूड़ा कूड़ी बांध रहा है और नरक निगोद में चला जाएगा, इतनी गालियां पकड़ाएंगे अपन। लेकिन गुरुदेव से मुंह पे एक लाइन नहीं आई, एक लाइन ए भैया भूले ला भगवान जी। अब तो समझ में आया अमूढ़ दृष्टि में पुरुषार्थ, ए अमूढ़ दृष्टि में पुरुषार्थ समझ में आया कुछ? इतना पुरुषार्थ बोलो भैया, भेद विज्ञान अपन कौन के साथ करते हैं बोल सकते हो? भेद विज्ञान कौन के साथ कर सकते हैं बता दें? डॉक्टर साहब ने तो लिया ना उत्तम क्षमा में, क्षमा कौन से मांगते हैं उत्तम क्षमा में? जिनसे मांगने की जरूरत ना हो और जिनसे मांगने की जरूरत होने तो दिख भी जाए तो यदि वो पांव भी छुई नहीं कैसे हट जाए? मूड है, ये कह रहे मूड है, अमूढ़ दृष्टि तो इसका नाम है। अरे अपने ही कर्म का उदय विचार करता है भैया, इसने क्या किया? कुछ नहीं किया और मेल जोल से काम हो जाता है बोलो, समझ में आया? अब चर्चा तो इसमें बहुत है, कम नहीं मतलब, लेकिन अब नहीं करेंगे इसकी चर्चा, बहुत कर ली अपन ने, बहुत कर ली मैंने, कम की है लेकिन और कर लेना तुम। क्यों अपने धन वैभव की रक्षा कैसे होगी? अपनी अकल से होगी, होगी कि नहीं होगी? अपने को पूरी अकल लगा के धन वैभव की रक्षा करना चाहिए, ये मूर्णता है, मूर्णता। पुण्य प्रमाण रहती है अधिक राखे ना रहे, अधिक राखे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बुद्धि से चल रही ना? फिर मैंने ऐसी ट्रिक लगाई, मैंने फौरन फटाफट फोन किया, ऐसा हो गया मूर्ण है। अरे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता भैया, पुण्य का उदय हो तो बिना प्रयत्न के काम हो जाता है और पाप का उदय हो तो ढेर प्रयत्न करे तो काम नहीं होता है। काई की बात चल रही है, बहुत मेहनत का मार्ग है। क्या और किसी में तो अच्छा देखना बहुत सरल है, एक कहावत है आपके यहाँ गुजराती में बोलते हैं कहावत है ना? तो क्या है वो? दिया तले अंधेरा, सुनिए दिया तले अंधेरा। मने सादर्मी सादर्मी को नहीं समझ पाएगा और दूर वालों को समझ लेगा, साधर्मी साधर्मी को नहीं समझेगा उसका जरा सा, क्यों? उसका औदिक भाव दिखाई देता है, उसका गुस्सा भी देखते हैं अपन, खान पान भी देखते हैं, रहन सहन भी देखते हैं। माने जितनी नफरत आपस में होती है ना,
उतनी नफरत हमें दूर वालों से नहीं होती, इसीलिए मैं बार बार ये पिंच कर रहा हूँ आपको। पुरुषार्थ इसमें है कि निकटवर्ती को भगवान देखो। भरत बाहुबली में युद्ध हुआ लेकिन भगवान देख के झट प्रणाम किए, झट देर नहीं लगी, झट प्रणाम किए। अपन जैसे होते 100 बातें सुनाते लेकिन नहीं सुनाई। आया समझ में आया? याद है हमारा पुराना दृष्टांत, सबको याद होगा। यहाँ पूरी जिंदगी से प्रवचन सुन रहे हो लोग और उनसे पूछो क्यों आपकी फला फला मुख जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भगवान बनेंगे नहीं, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, समझ में आएगी नहीं, जल्दी समझाऊं। देखो सास से बहू के बारे में पूछो, पूछो कि तुम्हारी बहू इतनी धर्मात्मा है, मंदिर आती है, पूजा पाठ करती है, भजन गाती है, तो सम्यक दृष्टि हो गई कि नहीं हो गई, या होगी कि नहीं होगी, तो सास का उत्तर क्या आएगा? अब ये पुरुषार्थ की जगह है वाला थोड़ी सी। अब बहू से पूछो क्यों तुम्हारी सास का तो बड़ा रोल है मंदिर में, जोरदार है, बढ़िया प्रवचन करती है, ऐसा ऐसा करती है, तो तुम्हारी सास तो बाकी में टॉपों में एक है, लाखों में एक है, तो इतनी जम के निकलेगा मुँह से तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है। डॉक्टर साहब प्रवचन में एक बात कहते थे कि यदि कोई पति, पति माने पति की बात कर रहे हैं, कोई आदमी पूरे हिंदुस्तान में पूछ सकता है, सारा हिंदुस्तान उसका सम्मान कर सकता है, लेकिन असली सर्टिफिकेट लेना हो तो उसकी पत्नी से लाओ। माने यदि अपन कोई पंडित जी प्रवचन कर रहे हो तो ऐसा लगे कितने बैरागी हैं, कितने ज्ञानमयी हैं, कितने शांत हैं, इनके चेहरे पे तो गुस्सा है ही नहीं, माने अपन तो ऐसा लगे। अब पत्नी कोई सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता पति से, क्या ओसे तो सब पता कि ये बड़ी बातें मार रहे हैं, हमें मालूम है घर में ऐसे ही नहीं चल रही दुनिया। माने समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इतनी दृष्टांत दे दे करके, कि निकटवर्ती से भेद विज्ञान करने में बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन निकटवर्ती से भेद विज्ञान नहीं हो पाता तो दिया तले अंधेरा होता है। बहुत बहुत व्याप बहुत बहुत तत्व ज्ञान चाहिए दोषों को पहचानने में। इसके लिए तो मैंने एक औदिक भाव का प्रवचन किया उज्जैन में, और एक अलग ही औदिक भाव के ऊपर प्रवचन है पूरा, गाथा 38 नियमसार जी का, बहुत बहुत मजा आया। बहुत भेद विज्ञान करने में बड़ा सहायक है वो, क्यों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है औदिक भाव में। औपसमिक छाय समय की और छाय की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, औदिक भाव और पारिणामिक भाव ये इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। तो खैर उसकी चर्चा तो अभी नहीं कर रहे, लेकिन अभी इतनी बात कह रहे हैं निकटवर्ती से भेद विज्ञान करना, मुड़ नहीं हो जाना, प्रवचन रुकते ही नहीं, क्या कह रहे हैं प्रवचन रुकते ही नहीं, चलते ही चला जाता है। एक अंतिम लाइन कह के बात पूरी करें, देख अंतिम लाइन कोशिश कर रहे हैं ना, बस कोशिश नहीं पूरी सुना। मैं देखो क्रम क्रम से स्टेप बाय स्टेप बंद भी कर देता हूँ लेकिन वो निकलते ही जाता है। ए जैन ग्रस्त माने जैन परिवार, माने भावी सिद्धों का परिवार, क्या कह रहे लिख लो ये बात। तो चाहे सास हो कि बहू हो, बाप हो कि बेटा हो कि भाई भाई हो, पहले वो पढ़ो भावी सिद्धों का परिवार है बेटा। अपन पाप पुण्य में भले नाटक नौटंकी खेल रहे हैं सब, वो तो भरत बाहुबली ने भी खेली थी, अपन ने भी खेली, कोई बात नहीं है, हमें तुम्हारे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने भेद विज्ञान रखना, और नहीं भी रखोगे तो रहना तो पड़ेगा पुण्य पाप के उदय प्रमाण, क्या कह रहे पुण्य पाप के उदय प्रमाण, रहना तो पड़ेगा लेकिन घुट घुट के जीना पड़ेगा। और फिर तुम्हें वो गाना गाना पड़ेगा एक पिक्चर का, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, काहे पीना पड़ेगा जीवन अमृत है। याद आ गया मुझे, जीवन जहर है, अरे अमृत है, ज्ञान अमृत से भरा हुआ भगवान है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, बट भगवान में जीना काहे पड़ेगा, आनंद करके जिएंगे। ओम नमः शिवाय। हाँ अभी हम रास्ते में थे तो एक गाड़ी के ऊपर लिखा था, गया तो गम नहीं हमारे पास कम नहीं। एक गाड़ी पे लिखा था, गया तो गम नहीं अपने पास कम नहीं। समझ गए इशारे बहुत हैं, सेंसेक्स में गया तो गम नहीं अपने पास कम नहीं। अरे कम कैसे नहीं, परिपूर्ण भगवान है, खूब आनंद करना सीखो, रोना मत सीखो, रोने वाले कोई सुखी कर नहीं सकता।
और वो पति भी रोने के लिए पागल हैं, क्या कहें, मतलब सच्ची बात कहें, भाग्यहीन को पैसे की नौकरी मिलती है, भाग्यहीन को पैसे की नौकरी कह रहे हैं, पैसा उसका नौकर नहीं होता, वो रोए बैठा रहा बस, अरे भगवान बनो भैया जल्दी, चक्कर में नहीं पड़ना दुनिया में ज़्यादा, तृष्णा जीतो, ओम नमः शिवाय।